मध्य प्रदेश के देवास से अनिल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। सीहोर जिले के गोपालपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 441 करोड़ की छिपानेर माइक्रो सिंचाई योजना का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को सीहोर जिले के गोपालपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 441 करोड़ की छिपानेर माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना से नसरुल्लागंज तहसील एवं खातेगांव तहसील के लगभग 70 गाँव के किसानों की हजारों हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। जल प्रदाय योजना का लोकार्पण, वहीं करोड़ों रुपए की लागत से बने गोपालपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी लोकार्पण किया। नर्मदा के घाटों के निर्माण के लिए करोड़ों पर देने की बात कही। नीमावर से खातेगांव के लिए अलग योजना बनेगी, जिससे कि नर्मदा का जल खातेगांव पहुंचाया जा सके। वहीं सरकार की तमाम उपलब्धि गिनाते हुए मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्र में करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य की सौगात दी है। राजस्थान में तो कई लोगों की मृत्यु हो गई, भगवान न करे कभी उत्तर प्रदेश में भी 40 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। यहाँ भगवान की कृपा थी, नहीं जब ये तूफान आया तो हमारे कलेक्टर रवि कुमार बीजी और कई कार्यकर्ता भी पंडाल के अंदर ही थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मेरा संकल्प है कि हम किसान के लिए भाई साहब मेरी आईडी जरा ऊपर करवा दो, पानी पहुँचाएंगे। जब मैं मुख्यमंत्री बना 7.5 लाख हेक्टर में सिंचाई होती थी, अब सिंचाई का रकबा बढ़ के थोड़ा सा नीचे लगभग 40 लाख हेक्टर हो गया है। इसको और बढ़ा के 7 लाख हेक्टर तक और बाद में 80 लाख हेक्टर तक ले जाना है। उसी कड़ी में ये सीहोर जिले का हमारा गोपालपुर क्षेत्र, यहाँ के लगभग नीचे बगल में देवास जिले के लगभग खातेगांव क्षेत्र, इस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था नहीं। हमने सीपानेर माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन की योजना बनाई और इससे पाइप लाइनों के थ्रू किसान के खेतों तक हम पानी पहुंचाएंगे। 2.5 हेक्टर की जमीन पर एक आउटलेट देंगे, जहाँ किसान अपना सिंचाई का सिस्टम लगा के अपने खेत में पानी देंगे। 15 गांव और अभी हम खातेगांव क्षेत्र के एक नई योजना बना के जोड़ने का फैसला किया है, उससे ये इलाका पूरा जो सूखा था वहाँ किसानों को ठीक ढंग से पानी मिल सकेगा। पीने के पानी के लिए भी समूह जल योजनाएं बन रही है। आज छिपानेर समूह पेयजल योजना का हमने लोकार्पण किया है, जिससे 19 गांव में एक ही पेयजल योजना के माध्यम से पीने का पानी जाएगा। ऐसी समूह पेयजल योजनाएं भी पूरे मध्य प्रदेश में बन रही है। बाकी तो कई काम सड़कों के, पुलियों के, स्कूलों के, अस्पतालों के लगातार पूरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। विकास का पर्व चल रहा है और हमारे कई साथी उन कामों का शिलान्यास लोकार्पण करने में लगे हुए हैं। आज इसी योजना का, लिफ्ट इरीगेशन की योजना का हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं। हर जगह किसान संघ है, हमारे विधायक किसान सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं और उस किसान सम्मान यात्रा के माध्यम से किसान जो खरीदी करते हैं, जो अन्न के भंडार भरते हैं, उनके सम्मान का कार्य भी किया जा रहा है और हर जगह यात्रा को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत सुंदर रिस्पांस।